इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से तैयार की जाने वाली ई गैजेट ऐप का इफ्तिताह कर दिया गया है। इससे शहरियों को क्या फायदा होगा, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुजाहिद शेख और उनके साथ मौजूद है DIG इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर इनाम वहीद। उन्हें से मजीद जानते हैं, बताइएगा मजीद हमें मुजाहिद। DIG इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर इनाम वहीद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर ने एक ऐसा गैजेट तैयार किया है जिसे पूरे पंजाब में मुतारफ़ कराने का फ़ैसला IG पंजाब साहब ने भी किया है। इनसे पूछते हैं कि सर ये बताइएगा कि जो ई गैजेट बनाया गया है इसका आम शहरी को क्या फ़ायदा होगा। हमने अब नया सिस्टम इन्वॉल्व किया है, वो इवॉल्व किया और वो इवॉल्व ऐसे किया है कि हमने एक एप्लीकेशन एंड्रॉयड की बनाई है जिसमें हर चीज़ की एंट्री होगी। और इसको अगर जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ई गैजेट मॉनिटरिंग सिस्टम। हमने इसका नाम ई गैजेट मॉनिटरिंग सिस्टम इसलिए रखा है कि हर वो डिवाइस जिसमें सिम डलती है, सिर्फ मोबाइल फ़ोन नहीं, हर वो डिवाइस जिसमें सिम डलती है उसको ट्रेस किया जा सके। और इसका सिस्टम बड़ा आसान होगा कि कोई भी बंदा अपना मोबाइल ख़रीदने जाएगा या सेल करने जाएगा या रिपेयर करने जाएगा, वो दुकानदार के पास अपनी एंट्री करवाएगा। हम इसके लिए दुकानदारों को और तमाम ट्रेड यूनियंस को बाकायदा एक हफ्ते का कोर्स करवा रहे हैं जिसके अंदर वो तमाम एंट्रीज़ करेंगे, जिसमें अपनी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे और उस रजिस्ट्रेशन में वो ये बताएं अपनी डिटेल बताएंगे और उस रजिस्ट्रेशन में ये बताएंगे कि कौन मोबाइल बेचने वाला है और कौन ख़रीदने वाला है। अगर कोई बेचने आया है तो उसकी भी तस्वीर आएगी, जो अगर ख़रीदने आया तो उसकी भी तस्वीर आएगी और साथ CNIC का रिकॉर्ड आएगा, नाम आएगा, IMEI नंबर आएगा। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से DIG इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर इनाम वहीद ने बताया कि आज से इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा और यकीनन जिस तरह से IG पंजाब ने भी इस एप्लीकेशन की तारीफ़ की है और उसे भी बहुत जल्द पंजाब भर में जो है उस पर भी अमल दरामद